नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सलाह को लेकर केजरीवाल सरकार ने सोमवार को एफिडेविट दाखिल किया। इसमें दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर प्रदूषण रोकने के लिए पूरे NCR में लॉकडाउन लगाया जाता है तो दिल्ली भी इसके लिए तैयार है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि हवाओं की सीमाएं नहीं होती इसलिए केंद्र सरकार को पूरे NCR में लॉकडाउन लगाने के लिए सोचना चाहिए। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघों के बीच एक बार फिर बवाल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार रविवार को JNU कैंपस में वामपंथी छात्र दलों की बैठक होनी थी। आरोप है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ सदस्य पहले ही वहां पहुंच गए और वामपंथियों से उनकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच मामला मारपीट तक पहुँच गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक करेगी। ये बैठक दोपहर 3 बजे होनी है। इसमें आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान समय का उपयोग करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्यों के स्तर से भी प्रयास किए जाने के लिए व्यवस्था तैयार की जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 18 महीने से स्कूल बंद हैं। इन स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट ने इस व्यवस्था की कलई खोल कर रख दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 60% से ज्यादा बच्चे इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में रिमोट विकल्प पर चल रहे स्कूलों और शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण 19 नवंबर शुक्रवार को लगने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 19 नवंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है। 580 साल में पहली बार सबसे लंबा चंद्र ग्रहण दिखेगा और यह पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में नजर आएगा। ये चंद्र ग्रहण भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए देखा जा सकता है। भारत के अलावा ये ग्रहण अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दिखाई देगा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,34,000 पहुंच गई है। 523 दिन बाद सबसे कम एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी ठीक हो रहा है। बीते 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं मौतों की संख्या 150 से भी नीचे आ गई है। इसके अलावा 11,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चंद महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव का प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ पर केंद्रित हो गया। इसके लिए उनसे सख्त प्रशासक, त्यागी और भ्रष्टाचार विरोधी चेहरे की छवि गढ़ी जाएगी। मुख्य चुनावी गीत ओमकारा फिल्म के गाने से प्रेरित सबसे बड़े लड़ैया योगी होंगे। योगी की छवि को निखारने के लिए फिलहाल कई अन्य चुनावी गीतों पर मंथन जारी है। हजारों साल पहले एक न्यूक्लियर संघर्ष में मंगल ग्रह पर एक प्रजाति का समूल विनाश हो गया है। पृथ्वी भी उसी खतरे की ओर बढ़ रही है। पृथ्वीवासियों को भी भविष्य में ऐसी ही तबाही का सामना करना पड़ेगा। इस तबाही से पृथ्वी को बचाने के लिए रूस में बोरिस्का किप्रियानोविच का जन्म हुआ है। ये दावा खुद बोरिस्का का ही है। वह बताता है कि पृथ्वी को बचाने के लिए उसने पुनर्जन्म लिया है। मानव के रूप में जन्म लेने से पहले वह मंगल ग्रह का निवासी था। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार की तेज शुरुआत हुई। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के चलते दोनों इंडेक्स हरे निशान पर खुले। कारोबार की शुरुआत होते ही BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स रफ्तार पकड़ते हुए 327 अंकों की तेजी के साथ खुला और 61,000 के पार पहुंच गया। वहीं NSE का निफ्टी भी 100 अंकों की बढ़त के साथ 18,000 के पार खुला। फिलहाल सेंसेक्स 316 अंकों की बढ़त के साथ 61,003 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 96 अंकों की बढ़त के साथ 18,198 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। ONGC के शेयर इस समय सबसे ज्यादा 4% की बढ़त दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही आज के ही दिन झारखंड अस्तित्व में आया था। उन्होंने ही अलग जनजातीय मामलों का मंत्रालय बनाया था और जनजातीय हितों को राष्ट्र की नीतियों से जोड़ा था। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।